बाजी है, मारे गए आज तो। ट्यूशन का टाइम नहीं है? सॉरी निम्रा बाजी, मैं बताता हूँ आपको, रुके इसी वक्त घर चलो, मैं तुम्हारा इलाज कर। नहीं नहीं प्लीज घर नहीं, 5 मिनट दे दे, मेरी हाफ सेंचुरी होने लगी है, उसके बाद घर, बल्कि ट्यूशन चलेंगे। ये जो तुम्हारे ट्यूशन सेंटर वाले हैं ना, उनको भी सिर्फ फीस से मतलब है, उनकी भी मैं तबीयत ठीक करूंगी। चलो घर चलो, 5 मिनट ना, घर चलो। निम्रा बाजी प्लीज प्लीज खेलने दे, 5 मिनट से हाय। अम्मा जी आप कब से यहाँ बैठी हुई हैं? जाए जाके आराम करें ना अपने कमरे में, मैं सब्जी काट के बस अभी चढ़ाती हूँ। अरे निम्रा का इंतजार कर रही हैं, पता नहीं कहाँ रह गई है ये लड़की, इतनी देर हो गई है इसे। आ जाएगी, अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई होगी, आज उसका आखिरी पर्चा था ना, बस आ जाएगी, ना परेशान हो। अम्मा जी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं, सच अम्मा जी बहुत महंगाई हो गई है, मैं घर कैसे चला रही हूँ ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। खैर कहती तो ठीक हो, महंगाई हो तो गई है जरूर, पता नहीं ये महंगाई का जिन कैसे और कब काबू में आएगा, कोई नहीं जानता। अम्मा जी मैं कह रही थी कि आप अगर दुकानों का किराया बढ़ा देंगी तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। क्या बात कर रही हो तुम, दुकानों का किराया बढ़ा दूं? अभी 2 महीने पहले ही तो तुमने किराया बढ़वाया था उनसे, मैं जाके फिर उनके सर पे खड़ी हो जाऊं? मुझसे ये सब नहीं होता, अब मैं जाके दोबारा उनके ऊपर इतना जुल्म नहीं कर सकती हूँ कि और किराया बढ़ाऊं। हाँ सारा जुल्म आप हम पे ही करें, उन्हें तो आप आराम से ही रहने दे, छेड़े नहीं उन्हें। चलो मेरे साथ बाजी, चलो मैं सबको बताती हूँ। अरे क्या हो गया है? ये भाई साहब गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अरे तुम तो बेटा कह के गए थे कि ट्यूशन पे जा रहे हो। दादी मैं ट्यूशन ही जा रहा था, बस अभी 5 मिनट के लिए रुका था क्रिकेट खेलने के लिए, तो निम्रा बाजी मुझे जबरदस्ती ले आई घर। अच्छा अभी रुके थे और हाफ सेंचुरी भी हो गई? आने दे आज तेरे अब्बा को, तेरी तो आज हड्डियां ना मैं तुड़वाती हूँ, चल जाके पढ़। चलो किताबें लेकर आओ। मितम करके रखा इस लड़के ने। अरे एंजॉय तो सब बहुत करेंगे वहां पे, लेकिन मसला पैसों का है ना, इतनी बड़ी रकम अब्बा के पास तो होगी नहीं, और अम्मा से तो मैं मांगने से रहा। ये आइडिया दिल को लग रहा है। हाँ अच्छा यार फिर बात करता हूँ। फारिस साहब आप भी घर में तशरीफ रखते हैं? जी कभी कभी हम घर को भी रौनक बख्श दिया करते हैं। फारिस क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां नहीं है? इतने बड़े हो गए हो, ना कोई काम करते हो, तुम्हारा भाई वसी स्कूल के नाम से भागता है, कभी कभी स्कूल से छुट्टी, कभी कभी ट्यूशन से गायब, कम अज कम उसका तो ख्याल कर लिया करो। तुम हो ना सबका ख्याल रखने के लिए, जाओ जाके खबर लो उसकी। इसी वक्त उठो और जाकर वसी को ट्यूशन पर छोड़ कर आओ, और हाँ उसकी टीचर को कहना कि वो उसके ऊपर खास तवज्जो दे। जी खास तवज्जो। क्यों ये क्या मरीक से आया है या इसके अब्बा डबल फीस देते हैं? बातें ना बनाओ और जाकर उसको ट्यूशन पर छोड़ कर आओ।
ओफो निमरा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एक तो तुम्हें भी ना पूरे घर की अम्मा बनने का बड़ा ही शौक है। अच्छा अभी यूं घूर घूर कर मत देखो, जा रहा हूं। इतनी इंपॉर्टेंट कॉल चल रही थी मेरी। पता है फारिस, आज मेरा आखिरी एग्जाम था। मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊंगी और लंबा सोऊंगी, लेकिन इस घर में सुकून ही नहीं है। ठीक कह रही हूँ, सुकून नाम की ना कोई चीज ही नहीं है इस घर में। कितना सुकून मिल रहा है दादो, पढ़ पढ़ के तो सर बिल्कुल खाली हो गया है। और दादो का काम ही क्या, इस लड़की के सर में मालिशें करती रहूं। अच्छा निमरा एक बात सुनो मेरी बेटा, ये जो तुम हर वक्त वसी फारिस और एमन के पीछे पड़ी रहती हो ना, ये ना किया करो बेटा, बुरा मनाते हैं वो लोग, उनको अच्छा नहीं लगता है। दादो ये मेरे कजिन्स हैं, मेरे सगे भाई बहन की तरह, उन्हें अच्छा लगे या बुरा मैं तो उन्हें समझाऊंगी। उनकी माँ का काम है ये। अरे जब उसको फिक्र नहीं हो रही तो तुम क्यों सर खपा रही हो अपना। और एक बात मैं बता दूं बेटा, अरे सुधरने वाले नहीं हैं ये लोग, जो मर्जी कर लो। सुधर जाएंगे दादो, आप बेफिक्र रहें, आप बस मेरी सर की मालिश करें ना, सुकून मिल रहा है। अच्छा दादो एक बात करनी थी। बोलो। कॉलेज में सब लड़कियां कराची यूनिवर्सिटी जाने का प्लान कर रही हैं, मैं भी आगे पढ़ना चाह रही हूँ। देखो बेटा जितना यहाँ पर पढ़ना था ना पढ़ लिया तुमने, कराची वराची मैं नहीं भेज रही इतनी दूर तुम्हें। लेकिन दादो आप ही तो कहती है कि लड़कियों को आगे पढ़ना बहुत जरूरी है। कहती हूँ लेकिन भाई इतनी दूर कराची, ना बाबा ना, मैं नहीं भेजने वाली तुम्हें दादो। अरे अम्मा कराची कौन सा चांद पर है, इसी मुल्क में तो है। निमरा बिल्कुल ठीक कह रही है, आजकल की लड़कियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसे जाने देना अम्मा, हमारे खानदान में भी तो कोई पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता होना चाहिए ना। थैंक यू चाची। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे चाचा को भी मना लूंगी। जीती रहो चाची। इस मनोज टीवी को बंद कर दो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुबह आराम से कर लेना, क्या है? यही यही जो तुम्हारी आदतें हैं ना, इन्हीं पे मुझे गुस्सा आता है। सारी जिंदगी तुमने कुछ नहीं किया, एक तुम्हारे मरहूम भाई, इतनी जायदाद उन्होंने बनाई, ये घर बनाया, और तुमने तो जिंदगी में हमारे लिए एक झोंपड़ी तक नहीं बनाई। अगर ये सईद मरहूम का ये घर नहीं होता तो हम कहाँ होते? बस चुप कर जाओ, बस कर दो, बोलो क्या कहना है, सुन रहा हूं मैं। देखो इस मकान और दुकानों का हम फायदा तब तक उठा सकते हैं जब तक निमरा की शादी नहीं हो जाती। जैसे ही निमरा की शादी होगी ना, उसके शौहर को बेचैनी शुरू हो जाएगी कि ये जायदाद मैं खुद संभाल लूं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इसमें कसूर किसका? मेरा तो नहीं है, लेकिन ये मसला क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए कि काश तुम अपने बेटे का रिश्ता अपनी बहन की बेटी के साथ पक्का ना करती तो इस तरह का कोई मसला नहीं होना था। अरे अब लकीर को पीटने का क्या फायदा? अरे जो हो सकता है ना उस पे गौर करो। क्या कर सकता हूं मैं? हम देखो निमरा अभी पढ़ना चाहती है, लेकिन तुम्हारी माँ ये चाहती है कि वो जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैंने भी निमरा का पूरा पूरा साथ दिया है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें जाके अपनी माँ को समझाना होगा कि निमरा को पढ़ने दे। जब तक निमरा पढ़ती रहेगी इस जायदाद के सारे मामला हमारे हाथ में होंगे। ठीक है, ये कोई बुरी बात तो है नहीं, कहूंगा कन्विंस करने की भी कोशिश करूंगा कि उसको पढ़ने दीजिए, और पढ़ना उसका हक है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे कौन रोक सकता है। ठीक कह रही हो तुम। और सबसे पहले
मैं इसकी सारी जायदाद का फायदा उठाऊंगी। पहले मैं उसी के सरमाए से एमन की शादी करवाऊंगी, फिर मैं फारिस का कोई छोटा मोटा काम सेट करवाऊंगी, फिर कहीं जाके हम निमरा की शादी का सोचेंगे। ठीक सोच रही हूँ, ठीक है, मैं अम्मा से बात करता हूँ। अब टीवी ऑन करने की इजाजत है? जरूर देखिए आप, क्यों नहीं देखेंगे आप, ये लीजिए, जरूर कीजिए आप, देखिए सारी जिंदगी आपने किया क्या है, टीवी तो देखा है। Oh, that's a good shot. नानी जान, वैन ड्राइवर की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि वैन खराब हो गई, आज नहीं आएगी, और आज मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं बेटा, अभी हारून भी तो ऑफिस नहीं गया ना, जाते हुए तुम्हें छोड़ देगा। वो भला मुझे क्यों ड्रॉप करेंगे, उन्होंने तो घर में भी सिर्फ एक गाड़ी इसीलिए रखी हुई है कि हम उसका फायदा ना उठा सकें। आप मुझे किराए के पैसे दे दे, मैं खुद चली जाऊंगी। परवीन जी, साहब जी, मेरा नाश्ता लेकर आओ। जी साहब जी, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। बच्चों तुम लोग भी खा लो, देर हो जाएगी तुम्हें। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो स्कूल जा रहा हूँ। अपनी प्लेट देखो, नाश्ता बाकी है, इसे फिनिश करो, उसका माल समझ के जाया मत करो। अच्छा नानी जान, मैं चलती हूँ। बेटा तुम्हारी वैन नहीं आ रही है तो कैसे जाओगी, रुक जाओ तो। इसे बस का किराया देते हैं। मैं तो सोच रही थी कि तुम जाते हुए छोड़। मैंने आपसे कहा ना, इसे बस का किराया दे दें। साहब, मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का बोल दिया है। रात को डिनर बाहर करूंगा, मेरे कुछ खाने के लिए मत बनवाना, और कमरे की सफाई ध्यान से करना। आपके रूम की सफाई मैं खुद करते हैं। जो भी करता है सफाई, पूरे ख्याल से करें। मुझे कमरे में जरा सी भी धूल दिखाई नहीं देनी चाहिए। शुक्र है गए, आज डिनर भी रात को बाहर ही करेंगे। Thank you.
जामी सौदा देखभाल कर लेना, परसों जो सब्जी लाए थे सारी बासी लेकर आए थे। जी दुकानदार बड़ा फ्रॉडिया था, उसने मुझे बातों में लगा दिया, मगर अब मैं उससे सामान नहीं लूंगा। ठीक है अम्मा, वो वॉशिंग पाउडर भी मंगवाना है। ठीक है बेटा ये लो, वॉशिंग पाउडर भी ले लेना, और जरा जल्दी आना, घर में बहुत काम पड़े। ठीक है मैं यूं गया और यूं आया। नौरीन बेटे ये अलमारी में रख देना। अम्मा चाय दूं आपको? हाँ दे दो, गरम होगी अभी तो। अब वो अम्मा आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। अम्मा वो मौसम बदल रहा है, बच्चियां नए कपड़े बनाने का कह रही हैं, अगर आप थोड़ी सी गुंजाइश निकाल लें तो। मेरी यतीम बच्चियां दुआएं देंगी। असरा मेरी नवासियों के बारे में इस तरह बात मत किया कर, कलेजा कटता है बेटा। कैसे कहूं मां, आपका पोता हमारे कम माइंड से ताने देता है, हमें हकीर समझता है, किसी खातिर में नहीं लाता, हर चीज का एहसान जतलाता है। मैं यकीन करे मेरा बस नहीं चलता, मैं अपने बच्चों को लूं कहीं चली जाऊं, कि मैं इतनी बदनसीब हूं कि मेरे पास और कोई ठिकाना ही नहीं है। नादान है वो, उसको अपने पराए की पहचान ही नहीं। ये पहचान कभी होगी भी नहीं अम्मा, और वो ऐसे ही मेरे यतीम बच्चों को जलील करता रहेगा। ये जो कुछ भी है ना मेरे बेटे का, ये ठाट बाट, ये कारोबार, इसके पीछे मेरे बेटे की अंतक मेहनत और जहानत शामिल है ना। मेरा प्यारा बेटा तुम्हारा भाई था, इन बच्चों का मामू था, हारून तो चाहकर भी इस बात को झुटला ही नहीं सकता, और इनाम की माँ की हैसियत से हर चीज पर मेरा हक है। माँ सब ठीक है, लेकिन आप मेरी वजह से प्लीज हारून से नहीं उलझिएगा। मैं पैसे दूंगी, तुम बच्चियों को लेकर जाओ और उनकी शॉपिंग करवाओ। और कहा है वो मेरा साबिर शाकिर नवासा, उसकी पसंद की सारी शॉपिंग कराना। फरहीन आ जाए तो आज ही चली जाओ, हारून को मैं देख लूं। थैंक यू। खैरियत से पहुंच गए ना आप लोग? जी जी बस थोड़ी सी मुश्किल हुई घर ढूंढने में। हाँ बस वह सलाम करो। हाँ, हाँ, ये तो। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है भाई साहब, बहुत खुश नसीब बेटी है आपकी। मेरा बेटा भी बहुत सुलझा हुआ, सीधा सादा, फर्मा बरदार बच्चा है, मुख्तसर से फैमिली है, एक मेरा बेटा और एक मैं। आपकी बेटी ऐश करेगी ऐश इंशाअल्लाह। अब वो सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन आप तो जानती हैं कि जहेज बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो हम इतनी जल्दी शादी की डेट कैसे दे सकते हैं? लो भाई कर लो बात, एक अहम बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, मेरा बेटा अमेरिका से आया है और अपनी बीवी को लेकर वापस अमेरिका ही जाना है। ये जो जहेज जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, अमेरिका थोड़ी लेकर जाएंगे हम, सुन रहे हो भाई सब किस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं? लम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, मुझे जहेज वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ ठीक है अहमद बेटा, लेकिन देखिए अंकल, अल्लाह का बहुत फजल है मुझे, अल्लाह का दिया सब कुछ है, एक अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है। अम्मी आप खुद ही बता दें अंकल को, मैं अपने मुंह से बताता अच्छा तो नहीं लगता। भाई साहब वैसे अपने मुंह से तारीफ करते हुए इंसान अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपके इत्मीनान के लिए बस बता रही हूँ। इतना बड़ा माशाल्लाह से घर है और इतना बड़ा लॉन कि मैं चलते चलते थक जाती हूँ, और गाड़ियाँ हर हफ्ते चेंज करते हैं। माशाल्लाह अब पता नहीं इन दिनों कौन सी गाड़ी है। अंकल आप
जहेज वाली बात को लेके बिल्कुल परेशान मत हो। जी भाई साहब, आपने जहेज के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि माँ बाप नहीं चाहते कि वो अपनी बेटी को बिना जहेज के भेजे। दिल के अंदर कुछ कुछ हो रहा होता है कि जैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। क्यों अहमद, हमने असल में अपनी बहू को साथ ही लेकर जाना है, तो आप ऐसा कीजिएगा, टिकट विकेट का जो थोड़ा बहुत खर्चा है वो भी आधा हम कर लेंगे, आधा आप कर लीजिएगा। ये आपकी खुशी के लिए कह रहे हैं, वरना मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीजों की। ठीक है, मुनासिब है, लेकिन वो अंदाजन कितना खर्चा हो जाएगा? अंकल आप क्यों फिक्र करते हैं, आपसे जितना भी मैनेज हो पाए आप कर लीजिए, बाकी का मैं अरेंज कर लूंगा। अब आप तो जानते ही हैं अमेरिका जाना कौन सा आसान है, काफी पेपर वर्क होता है और काफी पैसे दरकार होते हैं, मगर आप फिक्र ना करें। काफी बेटे, क्यों परेशान कर रहे, सादे लोग हैं भाई साहब, आपने बिल्कुल परेशान ना, जितनी आपकी इस्तेआत है, जितने आपसे हो पाए आप उतने कर दीजिएगा, बाकी हम कर लेंगे, कौन सी पैसे की कमी है। क्यों अहमद जी, अल्लाह का फसल है हम पर, ये भी आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, वरना जरूरत नहीं थी ये सब करने की। लेकिन मैंने कहा जाहिर है आप महसूस करेंगे। अब हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह जो बेहतर करेगा। आप लोग कुछ लीजिए ना। अब हाँ हाँ हाँ, अब खाए ना जी, प्लीज चाय ले। एमन हाय, लगता है तुम्हारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, तभी तुम स्कूल से बैठी भी हो। हेलो, बस कर दे अम्मी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा जा, जरा बावर्ची खाने की खबर ले, मैंने सब्जी काट दी है, मसाला भून के ना सब्जी उसमें डाल दे। अरे तुझे तो अपनी सगी माँ का भी एहसास नहीं है, मेरी कमर सुबह से इतना दर्द कर रहा है। उफ, सुबह से दादू और निमरानी नजर आ रहे। अरे वो घर पे होंगी तो नजर आएंगी ना। अरे तुम्हारी दादी, अरे वो तो ऐसे चल फिर रही है, ऐसे भाग रही है जैसे 16 साल की लड़की हो। अरे मैं तो 2 कदम चलती हूँ तो सांस फूल जाता है। अरे हाँ लो, तुम्हारी दादी आ गई। अम्मा अभी आपको एमन याद कर रही थी। अच्छा अच्छा, बड़ी गर्मी है बाहर भाई। लगता है शॉपिंग करके आए आप लोग, काफी सामान है आपके पास। जाहिर है भाई, हल्ला ने पैसे दिए हैं तो शॉपिंग भी करेंगी, है ना अम्मा? अरे मैंने क्या शॉपिंग करनी थी बेटा, वो तो ये जबरदस्ती निमरा मुझे घसीट के ले गई अपने साथ, कह रही अब मौसम बदल रहा है दादी, चलें सबके लिए कपड़े लेकर आते हैं। सबके लिए मेरा मतलब है हम सबके लिए। हाँ हाँ, सबके लिए लेकर आए। मैं देखूं क्या लेकर आई है दादी मेरे लिए। निमरा ये क्या है, तुम मुझे अपने साथ ही ले जाती, मैं अपनी पसंद की कोई चीज ले लेती। तुम्हारी पसंद, रहने दो। अच्छा है निमरा तुम इसको साथ नहीं लेके गई। क्या कह रही हैं अम्मी, पूरे कॉलेज में सारी लड़कियां मेरी तारीफें करती हैं कि तुम जैसा स्टाइल किसी का भी नहीं है। ये कलर तो बहुत प्यारा है, ये किसका है? ये तो चाची की 2 जोड़े हैं। मेरे लिए? अच्छा दिखाओ तो, है तो बहुत अच्छी। अम्मा ये क्या, सिर्फ 2 जोड़े, अभी तो इतना लंबा सीजन पड़ा है। परेशान क्यों हो रही हो, अरे अल्लाह देने वाला है, ये तो रखो ना, फिर और भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अम्मा बहुत अच्छे कपड़े लेकर आई हैं आप माशाल्लाह। देखो बच्चियों कितने अच्छे कपड़े लाई हैं नानी। वाकई नानी, अम्मी सही कह रही हैं, आपने बहुत प्यारे कलर्स लिए हैं। लेकिन नानी जान, हारून ने ये पैसे आपको घर के खर्चे के लिए दिए थे, अब ये महीना कैसे पूरा करेंगे आप? बेटा ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है, सब अल्लाह करवाएगा। वो जी हारून, हारून साहब आ गए। इतनी जल्दी क्यों आ गया?
जल्दी से समेटो, वो आ गया तो बहुत नाराज होगा, या उसने रखो ना पीछे कर दो। रुक क्यों गए बेटा, आओ। लगता है आप कुछ खरीदारी करके आ रही हैं। ये कपड़े, ये डिजाइन, ये आपके तो नहीं है दादी? कुछ गलत काम है? नहीं बेटा, ये सारे मेरे नहीं है। हाँ, मुफ्त का माल है, जिस पर चाहे लुटाए। बोलने से पहले सोच लिया करो बेटा। क्या सोचूं? पता है ना क्या सोचूं? यही ना कि आपको महाना खर्च के जो पैसे देता हूं वो घर के खर्च से कहीं ज्यादा है। जब भी तो सब अय्याशी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मेरी मेहनत की कमाई को आग लगा रहे हैं। और ये आग लगाने वाले कौन है जिनका मुझ पर, मेरे पैसे पर कोई हक नहीं? कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। जिन लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, भरी दुनिया में मुझे तना कर दिया, वो मुझसे कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करूं? खुदा गवाह हारूं, ना हमने तुम्हारा घर बर्बाद किया है, ना हम तुम्हारा बुरा चाहते हैं और ना कभी बुरा चाह सकते हैं। बस करते हैं, मुझे कोई जज्बाती बातें नहीं सुननी आपकी। जान, मुझे आपका जैसे ही पैगाम मिला मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई हूँ। जरा चाय तो पिलवा दो, सच्ची सुबह से एक प्याली चाय की नहीं पी है। चाय भी पिलवा दूंगी, बस तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैंने इस वक्त तुम्हें एक खास मकसद से बुलवाया है। तो हुक्म करे अम्मा जान। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी निमरा के लिए ना कोई अच्छा सा रिश्ता बता दो। हमें पैसे का, दौलत का, किसी चीज का कोई लालच नहीं, बस लड़का नेक, शरीफ, सुलझा हुआ हो, और फैमिली अगर मुख्तसर हो तो और भी अच्छा है। फिर तो आप फिक्र ही ना करें, ऐसा रिश्ता लाऊंगी कि आप दुआएं करते नहीं थकेंगी। बिन माँ बाप की बच्ची है, बहुत भारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और फिर मैं चाहती हूँ कि कयामत के रोज अपने बेटे और बहू के सामने सुरखरू। आप यूं समझें कि निमरा मेरी भी बेटी है, मैं पूरी तसल्ली करके ही लड़के वालों को लेकर आऊं। अरे रजिया, तुम कब आई? खैरियत है ना? आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुमने बताया नहीं, तुम किस सिलसिले में आई हो आज यहाँ? मैंने बुलवाया है इसे। इसने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि इसका भाई मकानों पे रंगो रोहन करता है, बस इसीलिए बुलाया। हाँ, यही बात है। अम्मा जी, रंग रोगन करवाने की क्या जरूरत है, फिर से नए बखेड़े पाल रही हैं आप? सब खैरियत तो है ना? तौबा है शायस्ता, मैं तो समझी थी कि तुम ये सुनकर खुश हो जाओगी, तुमने तो पहले ही कमर पकड़ ली अपनी। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, इसके लिए चाय तो बनवा दो। जी। अम्मा जी, ये बहू से इतनी राजदारी क्यों बरत रही हैं? बता दूंगी, वो भी बता दूंगी, लेकिन जो काम मैंने तुमसे कहा है ना, बस वो कर दो तुम।
हाँ हाँ, नेक सादतमंद लड़का और छोटी फैमिली वाला। इंशाल्लाह। ला बड़ी गर्मी है, तो बहुत गर्मी है। अरे आगे तू मेरे ना होने वाले ससुराल से क्या कहते हैं वो लोग। अरे पहले इसको तो बंद कर। ये तो तू मेरे टीवी के पीछे पड़ी रे। ये देख, ये तो चेक है। तू जरा दीदे फाड़ के देखना, पूरे 20 लाख का चेक। इस बार इंतहाई बेवकूफ लोगों से वास्ता पड़ा है, कसम से। क्या तो मेहनत नहीं करनी पड़ी इतना बड़ा चेक। इसका मतलब उन्होंने हमारी बात मान ली। कितने बेवकूफ लोग हैं। अब तो जल्दी से उठ, सामान पैक करें और रफू चक्करों। मामा अगर पहले इसको तो कैश करा लें। बेड से उठेगा तो चेक कैश होगा ना। अम्मा तू मेरी पुर्तियां देख। अरे मरीज बाप आगे पीछे कोई है ही नहीं, कोई हमसे पूछेगा ही नहीं। हमारे मजे 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 मजे। साहब चाय। मैंने तो नहीं कही थी, क्यों लाई हो? वो जी आपकी दादी जान ने भिजवाई है। काम खा के हम घर वालों के दिखावे और छोटी मोहब्बत से ले आई हो तो रख दो। साहब जी रात के खाने में क्या लेंगे आप? मैं खाने में कुछ नहीं खाऊंगा और अब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। जाओ। आप मुझे छोड़ के मत जाए, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? मेरी जान में तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, पर मैं यहाँ रुक भी नहीं सकती। मामा मर जाए, मैं अकेला हो जाऊंगा इधर। मैं बता रही हूँ ना कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती बिल्कुल, लेकिन जो तुम्हारी दादी है ना बहुत जालिम है, मुझे निकाल रही है इस घर से। तो मामा आप ऐसे क्यों जा रही है? मामा मैं आपके बगैर नहीं रह सकता ना। मामा मामा मामा। अच्छा मेरी जान, खुदा हाफिज। माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं आज भी आपको याद करता हूँ। आपकी जुदाई की वो घड़ी मैं भुला ही नहीं भूलता। आपने कहा था आपको मुझसे जुदा करने वाली मेरी दादी है, मैं इस बात को भूला नहीं हूं और मैं उनके जुल्म को कभी माफ भी नहीं कर सकता।